हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको जीरो और एक नंबर कान्हा जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको आप एक कलर में भी बना सकते हैं, ये मैंने दो कलर में बनाई है। और देखिए कितनी प्यारी हमारी ये ड्रेस बनकर तैयार हुई है। चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर चोली बनाकर तैयार कर ली है। चोली बनाने के बाद आर्म होल के नीचे साइड तक हम स्लिप स्टिच के साथ आ गए हैं। अब यहाँ से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से एक दो तीन, तीन चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई और बीच में एक चैन हम स्पेस के लिए लेंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चैन लेंगे और नेक्स्ट डबल स्किप नहीं करेंगे, हर एक में बनाएंगे। देखिए इस तरह से नेक्स्ट में गए, डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन ली, नेक्स्ट में गए, डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन लेंगे, नेक्स्ट में जाकर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में हमें एक चैन का स्पेस लेना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, एक चैन, नेक्स्ट में गए डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए फर्स्ट रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमने एक चैन ले ली है। अब देखिए यहाँ से जो हमने फोर चैन बनाई थी शुरू में, थर्ड चैन में जाएंगे और यहाँ पर थर्ड चैन में जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारे हर एक के ऊपर एक एक चैन, एक डबल क्रोशिया, इस तरह से कंप्लीट हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम एक दो तीन, तीन चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। अब दो चैन हम बीच में गैप के लिए लेंगे, तो टोटल हमने यहाँ पर फाइव चैन ले ली है और इस तरह से लूप लेंगे और जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो बीच में हमारा ये दो चैन का स्पेस आएगा। अब एक दो, दो चैन ली और नेक्स्ट के ऊपर हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाया। पिछले राउंड में हमने एक चैन का स्पेस दिया था, इस राउंड में हम हर एक में दो दो चैन का स्पेस देंगे। इस तरह से देखिए एक दो, दो चैन ली और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना दिया, फिर से दो चैन ली और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए हमारे पास ये बॉक्स बनते चले जाएंगे और इसी तरह से मैं बनाते हुए रो को कंप्लीट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। लास्ट में हमने दो चैन ले ली है। अब देखिए यहाँ से हम एक दो तीन, थर्ड चैन में जाएंगे और इसको जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब एक दो तीन, तीन चैन हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई और जो ये दो चैन का स्पेस है इसके अंदर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो ये डबल क्रोशिया है इसके चैन स्पेस में डबल क्रोशिया, फिर से बॉक्स के अंदर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो डबल क्रोशिया है उसके चैन में एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से दो डबल क्रोशिया हमने इसमें बनाया और डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ से हम थर्ड चैन में जाकर इसको जॉइंट करेंगे और यहाँ से मैं वाइट कलर का धागा पिक करूँगी। इस तरह से देखिए थर्ड चैन में से ऐसे निकाल लेंगे और इस धागे को टाइट कर देंगे अच्छे से और इसको यहाँ से हम कट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से हम इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब एक दो तीन चार पाँच, पांच चैन लेंगे। पांच चैन बनाने के बाद नीचे से देखिए एक दो, दो चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में जाकर फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और जो ये धागे हैं इनको हम इस तरह से साथ में हाइड कर देंगे अंदर की तरफ। देखिए इस तरह से बनाने के बाद फिर से एक दो तीन चार पाँच, पांच चैन लेंगे और नीचे से एक दो, दो चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में जाकर फिर से हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक दो तीन चार
पांच पांच चैन ली, और यहाँ से देखिए एक दो दो चैन स्किप की और थर्ड चैन में जाकर सिंगल क्रोशिया बना दिया। इसी तरह से बनाते हुए हम रो को कंप्लीट करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि लास्ट में बनाते हुए हमें ये जो हमारे पास ये रिंग बनेंगे पांच पांच चैन के, वो हमारे इवन में होने चाहिए, ओड में नहीं। कम ज़्यादा आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं बनाते हुए। मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ, और देखिए हमारे पास ये टोटल यहाँ पर 20 बनकर तैयार हुए हैं ये लूप। आपके पास चाहे 18 बने, 18, 20 या 22, इस तरह से बनने चाहिए, ओड में नहीं आने चाहिए। इस तरह से बनाकर हमें, देखिए मेरे पास यहाँ पर ये 19 बन रहे थे, तो मैंने यहाँ बीच बीच में एडजस्ट कर लिया है। ये लास्ट में देखिए मेरे पास एक बचा है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हमारा ये डिज़ाइन अच्छे से सेट हो जाएगा अब, अगर ये हमारे इवन में बनेंगे। और जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था वहीं पर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब देखिए इसके अंदर हम वर्क करेंगे, फर्स्ट चैन स्पेस के अंदर आएंगे इस तरह से हम स्लिप स्टिच के साथ। अब इसके अंदर एक दो तीन, तीन चैन हम एक डबल क्रोशिया की हाइट की, एक हमारा ये थ्री की चैन का डबल क्रोशिया हो गया, एक हमने बनाया दो डबल क्रोशिया, फिर से बनाया तीन डबल क्रोशिया, एक बार और बनाएंगे चार डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से चार बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक दो दो चैन लेंगे और फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे चार बार, और दो फिर से बनाए यहीं पर तीन डबल क्रोशिया, और एक बार और बनाएंगे चार डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से चार डबल क्रोशिया, दो चैन चार डबल क्रोशिया, इस तरह से बना लिया। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा स्पेस है इसके अंदर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट किया। अब नेक्स्ट में फिर से जाएंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, फिर से एक दो दो चैन ली और फिर से यहीं पर चार बार और डबल क्रोशिया, एक बार बनाया दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बनता चला जाएगा। और नेक्स्ट जो चैन स्पेस है उसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम नेक्स्ट के अंदर चार डबल क्रोशिया, दो चैन चार डबल क्रोशिया, इस तरह से हमारा वर्क बनता चला जाएगा। और इसी तरह से रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है, और यहाँ से लास्ट में मैंने थर्ड चैन के अंदर जाकर इसको जॉइंट कर दिया है। और देखिए यहाँ पर गले पर मैंने बॉर्डर बना दिया है, और ये मैंने जीरो और एक नंबर कान्हाजी के लिए बनाई है। आप इसको छोटे बड़े साइज में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।